प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज वाराणसी में हुआ है और यहाँ पर आज नॉर्वे के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हिमांशु गुलाटी जी वो मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह से युवा उनके साथ हैं। सर आज क्या रहा खास? देखो आज का जो कार्यक्रम था युवाओं के लिए था, तो मेरा मैसेज यही था कि युवा इस देश का फ्यूचर है और युवा चाहे तो कुछ भी कर सके, अगर मन लगा के काम करो, दिल से काम करो, तो ऐसी कोई सीमा नहीं है जो अपनी। सर अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी जी का ये इनिशिएटिव कितना सफल होने वाला है और नॉर्वे और भारत के संबंध कितने अच्छे होने वाले हैं? मेरी तो यही इच्छा है और मैं तो इसी के लिए काम कर रहा हूँ कि भारत और नॉर्वे और पूरे नॉर्डिक के बीच में संबंध जो है और भी अच्छे हुए हैं, और ट्रेड हो और कॉपरेशन हो, एजुकेशन में, एनर्जी, दूसरे और फील्ड्स में। ये मेरे लिए एक बहुत ही पर्सनल मिशन है और मैं प्रधानमंत्री जी को मैं किसी भी तरह इसमें हेल्प कर सकूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। सर एक बड़ा सवाल उठता है कि जो प्रवासी भारतीय चाहे आप हों जैसे और अन्य भाई हैं, वो जब भारत छोड़ के गए और आज लौट के आए, कितना परिवर्तन समझ में आ रहा है भारत में? देखो यहाँ भारत से जो भी लोग बाहर जाते हैं, भारत को अपने दिल में साथ लेके जाते हैं, कोई छोटा नहीं है भारत को, तो वापस आना और खासकर काशी में आना, बनारस में आना बहुत ही खास मायने रखता है। उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये? देखो मैं बहुत खुश हूँ कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और मेरी तो यही इच्छा है कि जितने भी प्रवासी भारतीय आ रहे हैं वो भी एक रोल प्ले करें उत्तर प्रदेश और देश के विकास में।